ये हैं उत्तर मध्य रेलवे के महाप्रबंधक प्रमोद कुमार। ये यहाँ पर बीना ग्वालियर रेल सेक्शन का निरीक्षण कर रहे हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से एक खास ट्रेन में ये निरीक्षण किया जा रहा है। और यहाँ पर मैं आपको बता दूं, जो इंस्पेक्शन की शुरुआत की गई वो नारायणी नदी के पुल से शुरुआत की गई, और उसके बाद उन्होंने ललितपुर रेलवे स्टेशन पर यात्री सुविधाओं के साथ ही तीसरी लाइन की प्रोग्रेस का जायजा लिया कि किस तरीके की प्रोग्रेस हुई है, क्या काम चल रहा है। और इसी के साथ ललितपुर स्टेशन पर महाप्रबंधक ने माल लदान को बढ़ाने और अन्य यात्री सुविधाओं पर भी चर्चा की। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से नारायणी नदी के ब्रिज का इंस्पेक्शन किया जा रहा है, यहाँ पर क्या क्या चीज़ें की गई हैं। और एक और बड़ी चीज़ है, अगर हम बात करें एनसीआर के जो जीएम है प्रमोद कुमार, वो जगह जगह जाकर उन्होंने स्टेशन पर भी जायजा लिया और जो बबीना स्टेशन है वहाँ पर यात्री सुविधाओं का निरीक्षण किया, स्टेशन लेआउट प्लान देखा, साथ ही साथ यहाँ जो सुविधाएं हैं उनकी समीक्षा की और उन सुविधाओं को और बेहतर करने के निर्देश दिए गए। तो कुल मिलाकर अगर हम देखें तो लगातार चीज़ों को देखा जा रहा है, और साथ ही साथ यहाँ पर जो स्टेशन है, साथ ही साथ यहाँ पर जो पटरियाँ हैं, पुल हैं, उनमें कहीं कोई कमी तो नहीं है, इसको अभी निरीक्षण किया गया। और यहाँ पर हम आपको बता दें जो तीसरी लाइन डाली जा रही है उसकी प्रोग्रेस को भी देखा गया, और महाप्रबंधक ने बीना से झांसी के बीच जो इंस्पेक्शन किया उसमें तमाम चीज़ों के बारे में अधिकारियों को निर्देश भी दिए। झांसी से ग्वालियर के बीच में खिड़की से निरीक्षण किया गया, और यहाँ पर हम आपको बता दें कि इसमें रेल पथ और उसके पास के सभी इंस्टॉलेशंस जैसे सिग्नल, OHE, प्लेटफार्म को चलती गाड़ी से निरीक्षण किया गया, यानी विंडो ट्रेलिंग से निरीक्षण किया गया। और इसी के साथ इंस्पेक्शन के दौरान रेल मार्ग में पड़ने वाले स्टेशनों की साफ सफाई कैसी रही, और जो दूसरी हम कह सकते हैं व्यवस्थाएं हैं, राइडिंग क्वालिटी है, जब खास ट्रेन में चला जाता है तो उसमें ये पता चलता है जो ट्रैक बिछाया गया है वो किस तरीके का है, उसका रखरखाव कैसे किया जा रहा है, साथ ही साथ क्रॉसिंग पर भी हम कह सकते हैं ट्रैक ज्योमेट्री इंडेक्स में सुधार के बारे में भी उन्होंने बताया, OHE की स्थिति ठीक है या नहीं है, किस तरीके की स्थिति रहेगी, बीना ग्वालियर तीसरी लाइन के निर्माण और विद्युतीकरण का जो कार्य है उसकी प्रगति की भी समीक्षा की। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि तमाम चीज़ों पर नज़र डाली गई, यहाँ पर रेल मार्ग के पर जो रेलवे क्रॉसिंग्स हैं उनकी स्थिति भी देखी गई, वहाँ जो कर्मचारी हैं उनसे भी बात की गई, कहीं उनको कोई दिक्कत तो नहीं।